जय छात्र, आज हम बात करेंगे मेला से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक को। विविध के सृजन मेला बहुत महत्वपूर्ण और मेला की थियरी वाली सेशन पढ़ेंगे, जहां पे सबसे पहले हम भारत कुंभ प्रमुख मेला को पढ़ेंगे, जहां से परीक्षा में सीधे सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद हम इसे राज्यवार डिवाइड कर देंगे कि भारत के उन प्रमुख राज्यों से जहां से प्रसिद्ध प्रमुख मेला पूछे जाते हैं। ऐसे तो विविध की सीरीज में मेला अपने आप एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आजकल परीक्षाओं का ट्रेंड एकदम बदल चुका है। नए ट्रेंड में परीक्षा में सवाल पूछे जा रहे हैं, उस ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए हम इस पूरे सेशन को पढ़ेंगे। क्लास समाप्त होने पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और इस सेशन को पूरा खत्म होने के बाद इसकी एमसीक्यू सीरीज मिलेगी। मैंने पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर इसकी एमसीक्यू पढ़ेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहले सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख मेले। पहले तो मेला पढ़ेंगे, फिर भारत के राज्यवार मेला को पढ़ने के प्रयास करेंगे। जब भी हमारे मन में जेहन में मेला शब्द आता है, तो सबसे पहली बात जो हमारे जेहन में आती है वो है कुंभ का मेला। तो मेरा सवाल आपसे है, सवाल सेशन शुरू होने पर, कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर लगता है? भारत में कुल कितने प्रकार के कुंभ मेला का आयोजन होता है? इनका जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा। वैसे इस वीडियो को हम सेशन वार जब लेकर आपके साथ चलेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये पूरी पीपीटी है, यहाँ पर आपके लिए काफी मददगार है। कुंभ का जो मेला है पृथ्वी पर तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमा वाला है। मतलब लोग दूर दराज ही नहीं, विदेशों से भी भारत में कुंभ मेला में सम्मिलित होने के लिए आते हैं, और एक शांतिपूर्ण जमाव वाला है, जिसके दौरान श्रद्धालु पवित्र नदी में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। पवित्र नदी का मतलब यह है कि जो कुंभ मेला है वो अलग अलग नदियों के किनारे लगता है। तो अब सवाल यह है कि किस किस नदी किनारे कौन सा कुंभ लगता है, तो जवाब कॉमेंट सेक्शन में दीजिएगा, वैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम बात करें तो यह हर 3 साल में, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा, यह हर 3 साल में वैकल्पिक रूप से 4 नदी तट पर लगता है। अगर हम 3 साल की बात करें तो हो जाएगा 3×4। समझने का प्रयास करिएगा, ये क्या हो जा रहा है हमारा, 3×4 माने 3×4 अगले का नंबर, फिर 12 वर्ष के बाद, फिर 12 वर्ष के बाद आएगा, तो 3×4 अर्थात ये 12 वर्षों के अंतराल पर लगता है। अर्धकुंभ जो क्षमा पे लगता है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए जानने समझने के लिए एक महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। दूसरी अगर हम बात करें, इन नदी तट पर तीर्थस्थलों में आयोजित किया जाता है। दूसरी बात है, ये इलाहाबाद जिसका नाम वर्तमान में प्रयागराज है, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। अब मेरा सवाल आप सभी से है, जो मैं अब आपसे पूछने जा रहा हूं, वैसे इसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्लास खत्म होने पर पूरी पीडीएफ ई-लर्निंग तरीके से टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। अब यहां पर ये सभी क्लासेस मेरे द्वारा निःशुल्क आप सभी के लिए देशहित में राष्ट्रहित में है। यहां पर इलाहाबाद या प्रयागराज में किस नदी किनारे लगता है कमेंट करके बताइएगा, हरिद्वार में किस नदी किनारे लगता है कमेंट करके बताइएगा, नासिक में किस नदी किनारे लगता है, उज्जैन में किस नदी किनारे लगता है। माने 4 नदी तट पर 3-3 वर्षों के वैकल्पिक अंतराल पर 12 वर्षों में एक बार, एक तरह से देखा जाए तो कुंभ का आयोजन होता है। विभिन्न हिंदू संप्रदायों के कई पवित्र पुरुष मेले में शामिल होते हैं, जैसे नागा, कल्पवासी और उर्दवाहुर। इसके साथ साथ ये समझना है कि 2017 में, ध्यान समझना है, 2017 में इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जोड़ा गया। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप चाहे इसे लिख लें, आप चाहे इसके स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लें। आगे अगर हम बात करेंगे कुंभ मेला की, तो ये आप देख रहे हैं डायग्राम, आपको देखने के बाद खुद समझ में आ जाएगा ये कुंभ मेला कहां का। वैसे मैं ये फोटो दिखाकर आपको पूछना चाहूंगा, यह कुंभ मेले का फोटो कहां पर का है, तो किस नदी के तट का है? अभी देख के कहेंगे सर ये तो घंटाघर है, इसका मतलब ये हरिद्वार का है। कहां का है? हरिद्वार अर्थात उत्तराखंड की पिक्चर है। तो आप ये देख पा रहे हैं, ये साधुओं का जमाव वाड़ा है जो नदी में स्नान करके डुबकी लगाकर होता है, इसी कुंभ मेला की हम बात कर रहे हैं। आगे करते हैं तो अंबुबाची मेला। अभी अंबुबाची मेला की हम बात करें, तो ऐसे हम आगे बात करेंगे कौन किस नदी के किनारे ये जो कुंभ है वो लगते हैं। तो इलाहाबाद और हरिद्वार में किस नदी किनारे लगते हैं, उज्जैन में किस नदी किनारे लगते हैं और नासिक में किस नदी किनारे लगते हैं, कमेंट करेगा। आगे इस वीडियो सेशन में हम लोग इसका टोटल डिस्कस करेंगे और आपको इसका जवाब भी देंगे। फिलहाल आप नोट्स भी बनाते चल सकते हैं इस सेशन में। अगर हम बात करेंगे तो अंबुबाची का मेला, अंबुबाची का मेला 21 जून से 25 जून, ध्यान दीजिएगा 21 जून से लेकर ये 25 जून के बीच मनाया जाने वाला अंबुबाची मेला का कामाख्या मंदिर। जैसे कामाख्या की बात आता है दिमाग में असम आ जाता है। गुवाहाटी असम में देवी की वार्षिक मासिक धर्म को चिन्हित करने के लिए 4 दिवसीय मेला मनाया जाता है, और ये कहां पर है, असम का, बहुत ही प्रसिद्ध है, ध्यान समझने वाली बात है असम का, क्योंकि प्राय परीक्षाओं में जब यहां से सवाल आता है तो ज्यादातर लोगों द्वारा गलती हो जाती है, कहां पर है ये, असम में है। ठीक है, अब भविष्य में गलती आपसे नहीं होगी। देवी की पूजा योनि के रूप में की जाती है। कामाख्या मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे नीलांचल की जो पहाड़ी है
उस पर स्थित है, मतलब ये कहां पर, नीलांचल की जो पहाड़ी है उस पर ये स्थित है। अब सवाल उठता है कि सर अभी कुंभ मेले के बारे में जब हम राज्यवार जब पहुंचेंगे ना उस जिस राज्य में कुंभ लगता है वहां पर उसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ लेंगे, तब चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हैं। अगला है चंपारण का मेला। अब चंपारण का मेला देखने के साथ ही कुछ चित्र आपके सामने जहन मारे होंगे, चाहता आप इसके स्क्रीनशॉट रख लें, ये आपके काम आने वाले हैं। जैसे चंपारण नाम आता है आपके मन में आता होगा यार ये मेला तो कहीं ना कहीं बिहार में लगता होगा, नहीं आप गलत हैं, ये छत्तीसगढ़ राज्य में लगता है। अब इसके बारे में जानेंगे, चंपारण मेला माघ के महीने में, किस महीने में, माघ के महीने में हर साल जनवरी से फरवरी तक रायपुर के छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, यह भी विविध है। और चंपारण को शुद्ध अद्वैत, शुद्ध गैर द्वैतवाद के वेदांत दर्शन के संस्थापक संत वल्लभाचार्य का जन्मस्थान भी कहा जाता है। चंपारण मेले का मुख्य रूप से वैष्णव धर्म से श्रद्धालु आते हैं। अगर बात किया जाए कि जो चंपारण मेला है वहां पे कौन से श्रद्धालु आते हैं तो मुख्य रूप से वैष्णव धर्म के श्रद्धालु आते हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण था। आप चाहते इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। अगला जो मेला है पौष संक्रांति का मेला। पौष संक्रांति का मेला आप इसे डायग्राम पहले छोटा सा देख सकते हैं। अब ये गोमती नदी पे के किनारे अगर देखा जाए तो इसका संबंध गोमती नदी से है। पूछा जाता है कि पौष संक्रांति का मेला संबंध किस नदी से है, तो गोमती नदी से है। अगर हम बात करें यह पर्व जनवरी के मध्य में मनाया जाता है, जनवरी के मध्य में मनाया जाता है, जिसे हम पौष का महीना माना जाता है। कौन सा महीना, पौष का महीना माना जाता है, इसलिए इसका नाम पौष संक्रांति का मेला है। ठीक, लोग हर साल उत्तरायण संक्रांति माने जब सूर्य का उत्तरायण होता है तो उत्तरायण संक्रांति के अवसर पर गोमती नदी में एक पवित्र डुबकी के लिए अपने उद्गम स्थल पर इकट्ठा होते हैं, जिसे हम तीर्थमुख के नाम से जानते हैं। किस नाम से, तीर्थमुख के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर पौष संक्रांति का मेला लगता है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप चाहे जिसे अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं इस पीपीटी को या इस पीडीएफ को। पीर बुधन का मेला। पीर बुधन का मेला, अब ये मध्य प्रदेश का एक प्रमुख मेला है। अब इसके बारे में क्या है, पीर बुधन का जो मेला है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के सावनरा क्षेत्र में हर साल अगस्त सितंबर के महीने में लगता है। कब, अगस्त से सितंबर के महीने में लगता है। ठीक, साथ ही साथ ये मुस्लिम संत पीर बुधन की याद में आयोजित किया जाता है। यह मेला अगर बात किया जाए तो 250 साल पुराना, लगभग कितना साल, 250 साल पुराना मेला है। यह पीर बुधन का मकबरा भी बना हुआ, यहां पर क्या है, पीर बुधन का मकबरा है वो भी बना हुआ है। अगर हम आगे बात करें अगले मेले की तरफ चले, जो प्रमुख रूप से सूरज कुंड का मेला है, बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है सूरज कुंड का मेला, आप इसे देख लें और आप इसके स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जो पीडीएफ के लिए कुछ लोग मैसेज कर रहे थे, मैं आपको बताऊंगा, टेलीग्राम पर जुड़िएगा। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है दुर्गेश्वर, जैसे दुर्गेश्वर सर्च करेंगे ई-लर्निंग भी दुर्गेश आएगा, आप उसे ज्वाइन करके जुड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं सूरज कुंड का मेला, तो ये हरियाणा के फरीदाबाद में, अगर हम बात करें तो ये सूरज कुंड का मेला जो है ये फरीदाबाद हरियाणा में फरवरी के महीने में सूरज कुंड मेले का आयोजन किया जाता है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो सूरज कुंड का मेला है यहाँ पे सबसे बड़ा शिल्प मेला, ये क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है, कौन सा, सूरज कुंड का। अब हम बात करें, मेला पहली बार 1987 में शुरू किया था, जो ये मेला था पहली बार कब 1987 में शुरू किया गया था, तो ये भी आपके लिए जानना पढ़ना बेहद जरूरी है कि 1997 में इसकी शुरुआत की गई थी सूरज कुंड का मेला। कहाँ लगता है, खासकर मिलान करने वाले सवाल में, कूट वाले सवाल में पूछा जाता है, तो ये फरीदाबाद हरियाणा पर, दुनिया का यूँ कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला, विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। गंगा सागर मेला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपने पढ़ा और सुना होगा, आप इसकी फोटो भी देख सकते हैं और ये तस्वीर को देख के बताइए ये कहाँ की फोटो है, ये कहाँ के चित्र है। जैसे आपके मन में आता है कि यार ये तो गंगा सागर की बात की जा रही, आपके मन में पश्चिम बंगाल आता है। अब ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, ये कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में सागर द्वीप पर मनाया जाने वाला भारत के कुंभ मेले के बाद, ध्यान देने वाली बात है, भारत में कुंभ मेला जो होता है उसके बाद गंगा सागर मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। मैंने भारत का सबसे बड़ा जो मेला है वो आपका कुंभ का मेला है, जो चार स्थानों पर लगता है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था, राज्यवाद भी हम उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर जो है वो गंगा सागर मेला है जो पश्चिम बंगाल में लगता है। अगर बात कीजिए पश्चिम बंगाल में कहाँ पे, तो ध्यान रखिए सागर द्वीप पर, कहाँ पर, सागर द्वीप पर, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा को लेकर, क्योंकि कूट वाले सवालों पूछे जाने का खूब आजकल ट्रेंड है, तो पूछा जाता है। ये 6 दिवसीय मेला, मतलब कितने दिन तक लगता है, ये 6 दिवसीय मेला है जो मकर संक्रांति के दिन
दिन तीर्थयात्रियों को पवित्र जल में स्नान करने, पवित्र जल में स्नान करने और पास के प्रसिद्ध कपिल मुनि मंदिर में दर्शन करने का एक अनुष्ठान किया जाता है। मतलब जो कपिल मुनि का मंदिर है उसके नजदीक में वहां पे अनुष्ठान किया जाता है। उसके बाद ये माना जाता है कि हाँ आपकी जो स्नान था, आपकी जो तीर्थ थी वो पूरा हो गया। यह मेला पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में लगता है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में लगता है। आप इसका स्क्रीनशॉट रख ले, काफी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा ये। आगे अगर हम बात करें नंदा देवी का मेला, अगर बात करें तो ये उत्तराखंड का प्रमुख मेला है। आप इस फोटो को देखकर बहुत कुछ जान सकते हैं, क्योंकि कई बार हाँ ये भी आपके काम में आ सकता है। ध्यान रहे, नंदा देवी का मेला जो है हर साल सितंबर महीने में उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। कहाँ पे? उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में। दूसरी बात यह है कि यह अल्मोड़ा वह स्थान है जहाँ मुख्य मेला लगता है। मैंने अल्मोड़ा वह स्थान है जहाँ पर इसका मुख्य मेला लगता है। वैसे कुमायूं क्षेत्र जो क्षेत्र बेल्ट है वो कुमायूं का, लेकिन अल्मोड़ा में स्थान जहाँ यह मुख्य मेला लगता है। देवी नंदा देवी, देवी नंदा देवी हिमालय की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी कही जाती हैं, उनके लिए ही इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी नंदा देवी मेला भी परीक्षाओं में खासकर पूछा जाता है और आपके लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार अगर आप पढ़े रहेंगे तो परीक्षा में सवाल आएगा, उसे आप आसानी से कर पाएंगे। इसके लिए आपके दिमाग में स्किल अब क्या है, सोनपुर का मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तो हमें लगता है जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबके जेहन में चित्र को देखने के बाद आ जाएगा कि आज सोनपुर का मेला किस लिए प्रसिद्ध है। ये डायग्राम देखते तो आपके दिमाग में जेहन में जवाब तो आ ही गया होगा। जी हाँ, सोनपुर का जो एक पशु मेला, कैसा मेला है? पशुओं का मेला। देख रहे हैं यहाँ हाथी है, घोड़ा है, तो दिमाग में आ गया होगा यार तो पशु मेला ही है। जी हाँ, सोनपुर में पशु मेला बिहार में, कहाँ पे लगता है सोनपुर का पशु मेला? बिहार में लगता है। नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एशिया का सबसे बड़ा, ध्यान देने वाली बात है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। कैसा है? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। यह भारत का सबसे बड़ा पशु मेला। जब एशिया का सबसे बड़ा है तो भारत का अपने आप सबसे बड़ा मेला हो जाएगा। और यह पवित्र नदी गंगा और गंडक संगम पर आयोजित होता है। ये पूछा जाता है किन नदियों के संगम पर आयोजित होता है जो सोनपुर का मेला है? तो गंगा और गंडक नदी, इन दोनों के संगम पर, दोनों के मुहाने पर, मतलब यूं कह सकते हैं जहां मिलन बिंदु है उन पर, संगम पर आयोजित होने वाला भारत का, यूं कहें एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो आप समझ पा रहे होंगे इसको। अब हम इसी सेशन के साथ और आगे बढ़ेंगे। अब आगे है माधवपुर का मेला। अब इस माधवपुर के मेले के बारे में भी देख लेते हैं। अब ये माधवपुर का मेला आपके देख में कुछ आ रहा है? जी हाँ, ये गुजरात में लगने वाला मेला है। माधवपुर का जो मेला है भारतीय गुजरात के पोरबंदर जिले में हर साल भगवान कृष्ण और रुक्मणी, भगवान कृष्ण और रुक्मणी के पवित्र मिलन का जश्न मनाने के, मतलब उनके मिलन के जश्न के रूप में इसे मनाया जाता है। आप चाहे तो इसके भी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। अगला है रण उत्सव का मेला। कितना खूबसूरत आपको लग रहा है? तो यह भी गुजरात का ही है और जो कच्छ के रण में आयोजित होता है, और इसे देश दूर दूर के लोग, देश विदेश के लोग भी इसे इस मेले में सम्मिलित होने के लिए आते हैं। जी हाँ, यह रण उत्सव गुजरात राज्य के कच्छ जिले के नोरेडो गांव में हर साल 4 महीने माने अक्टूबर से लेकर फरवरी तक मनाया जाता है। और यह रण उत्सव बंधनी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कैसी बंधनी? जो साड़ी होती है उसके लिए मेला बहुत प्रसिद्ध है। यह भी आपके परीक्षा में कई बार पूछा जाता है यहाँ से। ठीक, आगे हम बात करेंगे मिंजर का मेला। अब इस चित्र को भी देखते हैं कि देखिए ये भी डायग्राम भी कई बार आपके काम में आते हैं जब इसको मिलान करते हैं, तो इससे भी सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि हिमाचल प्रदेश का एक मेला है और यह हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ और जो सावन के महीने में जिसका आयोजन होता है। अगर हम बात करें तो मिंजर मेले को हिमाचल प्रदेश के राज्य में मेलों में से एक घोषित किया, मैंने राज्य का जो मेला उसमें से एक ही है। और यह श्रावण के माने सावन के महीने में हिंदू महीने के दूसरे रविवार को आयोजित किया जाता है। श्रावण महीने के हिंदू महीने के दूसरे रविवार को आयोजित किया जाता है। तो आप चाहे देख पाएंगे इसे हम मिंजर का मेला के नाम से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ उस राज्य का एक प्रमुख मेला है पुष्कर मेला। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में सवाल आता है अगर पुष्कर की बात करें तो। भैया इसको रट लीजिएगा, छोटे बड़े सभी परीक्षाओं की ये जान है। यहाँ पे भी ऊँट देख रहा होगा, आपको लग रहा होगा क्या ये ऊँट का ही मेला? जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, आपके जेहन में एकदम सही जवाब आया है कि पुष्कर मेला जो है इसे पुष्कर ऊंट मेला या स्थानीय रूप से कार्तिक मेला कहा जाता है। इसे पुष्कर मेला कहते हैं, इसे ऊंट मेला कहते हैं, इसे कार्तिक मेला कहते हैं। मतलब इसको ध्यान देने वाली बात है, इसके तीन उपनाम है। इसे पुष्कर मेला कहते हैं जैसा कि शुरू में आपने देखा, इसे पुष्कर ऊंट का मेला कहते हैं, इसे ऊंट का भी मेला कहा जाता है, इसे कार्तिक मेला के नाम से जाना जाता है। ये पुष्कर कहाँ पे है? राजस्थान में है। आयोजित एक वार्षिक बहुदिवसीय पशुधन मेला है और सांस्कृतिक उत्सव भी है। और ये कहां पे? राजस्थान राज्य में। कहां पर है? राजस्थान में है। क्या यहां पर केवल ऊंट का ही मेला लगता है?
चिन्ह है। इसके साथ साथ यह पुष्कर मेला भारत के सबसे बड़े ऊंट घोड़े और पशु मेलों में से एक है, माने भारत के पशु मेला में भी सबसे प्रमुख स्थान रखने वाला यह है। यहाँ पे ऊंट घोड़ा ये सभी इस मेले में हिस्सा लेते हैं, बेचारे बिकने के लिए आते हैं। वैसा भी इसे डायग्राम को भी देख के रखेगा, पुष्कर मेला सवाल आते हैं। धमोनी उर्स मेले, धमोनी उर्स मेले की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के सागर जिले, मध्य प्रदेश के सागर जिले के धमोनी स्थित बाबा मस्तान अली शाह की समाधि पर अप्रैल मई में धमोनी उर्स मेले का आयोजन किया जाता है। अगला है नलवारी मेला। ये नलवारी मेला क्या है? ये हिमाचल प्रदेश का एक मेला है और ये नलवारी मेला मार्च और अप्रैल के महीने में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में मनाया जाने वाला एक पशु मेला है। कैसा? एक प्रमुख पशु मेला है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में भी है, तो यहाँ पे देख पाएंगे इस डायग्राम में। ये नलवारी का मेला ये मार्च से अगर हम बात करें तो अप्रैल महीने, मार्च अप्रैल महीने में मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, और एक प्रकार का पशु मेला है। कैसा है? पशु मेला है। तरनेतर मेला। जो तरनेतर मेला क्या है? ये जो तरनेतर मेला है इसका आयोजन गुजरात के तरनेतर नामक गांव में किया जाता है। अब इसकी बात क्या है? यह एक वार्षिक तीन दिवसीय मेला, यह एक वार्षिक तीन दिवसीय मेला है जो अगस्त सितंबर के महीनों के दौरान मनाया जाता है। इसे त्रिनेत्रेश्वर महादेव मेला भी कहा जाता है। यह प्रमुख रूप से यह इसका उपनाम है, त्रिनेत्रेश्वर महादेव मेला भी कहा जाता है। किसे? तरनेतर महादेव या तरनेतर मेला के नाम से जाना जाता है। तीन दिनों तक लगता है। ये भगवान शिव को समर्पित है। ये गुजरात में। अब भारत के प्रमुख राज्यों की बात करते हैं। अब यहां तक हम लोगों ने भारत के उन प्रमुख मेले को पढ़ लिया जहां से परीक्षाओं में खूब सारे सवाल झोला भर भर के आते हैं। अब यहां से सेशन में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख ऐसे राज्य जहां से मेला इंपॉर्टेंट है, जहां से मेला के लिए परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस सेशन में आप भी हमारे साथ बने रहिएगा और आप इस वीडियो को अपने मित्रों तक साझा जरूर करिएगा। हाँ, लाइक नहीं किया तो लाइक कर रखिएगा। सबसे पहले हम लोग असम पढ़ेंगे। वैसे आपसे मेरा सवाल है कि असम के कुछ प्रमुख मेला बताइए जो आपको अभी तक याद था और जो परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। कमेंट सेशन में कमेंट करिएगा और साथ में नोट्स बनाया तो नोट्स बना लीजिएगा। हाँ, वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। अब यहाँ पर है जुनबिल मेला। ये क्या है? जुनबिल मेला। जुनबिल मेला क्या है? ये असम में लगता है, तो क्लियर हो गया कि असम के मेले ही पढ़ रहे हैं। यह हर साल जनवरी के मध्य में आमतौर पर असम के मोरी गांव, कहां पर? मोरी गांव जिले में असमिया फसल उत्सव माघ बिहू के सप्ताहांत के दौरान आयोजित किया जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट, अब आपको समझ में आ रहा होगा ये मेला किस लिए। जरा आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस चित्र को देखने के बाद आपको क्या लगा, यह मेला किस लिए प्रसिद्ध है? कौन सा? जुनबिल का मेला। ठीक, यह माघ बिहू के सप्ताहांत के दौरान आयोजित किया जाता है। आगे अगर हम बढ़ेंगे, सुवालकुची मेला। सुवालकुची का मेला ये मार्च अप्रैल में अशोकाष्टमी के दिन विभिन्न स्थानों पर मेले लगते हैं। अब बढ़ते हैं बिहार की तरफ। अच्छा, बिहू जानते हैं, बिहू का प्रसिद्ध नृत्य है। अब हम पढ़ रहे हैं बिहार का। अब आपके सामने आ गया बिहार के प्रमुख नृत्य। बिहार से परीक्षा में सवाल आते हैं तो बिहार के प्रमुख नृत्य को हम लोग यहीं पर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है वैशाली मेला। कौन सा मेला? वैशाली मेला आता है। जब वैशाली मेले की हम बात करते हैं तो यह महावीर के जन्मदिन के अवसर पर वैशाली में चित्रा त्रयोदशी में आयोजित किया जाता है। यह मूल रूप से एक जैन त्यौहार है। कैसा? जैन त्यौहार है जिसे दिगंबर और श्वेतांबर जैनों द्वारा मनाया जाता है। माने यह दिगंबर और श्वेतांबर दोनों के द्वारा ये मनाया जाता है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि महावीर के जन्मदिन के अवसर पर वैशाली में, कहां पे? वैशाली में चित्रा त्रयोदशी में आयोजित किया जाता है। ठीक, यहां तक अगर बताएं किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट हो तो आप यहां पे पूछ सकते हैं। और आप कोशिश करिएगा इस वीडियो को अपने सभी तमाम साथियों तक पहुंचाने का, शेयर करने तक, ठीक, उन तक, ताकि यह सेशन उन लोगों तक पहुंच जाए। सीतामढ़ी का मेला। अब ये देख पा रहे हैं सीतामढ़ी कहां पर है। ये सीतामढ़ी उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन इस मेले की बात करें बिहार राज्य में है। यहाँ पर ये सीतामढ़ी का मेला हर साल रामनवमी पर चैत मास में आयोजित किया जाता है, मतलब अप्रैल के आसपास। यह मेला राम जानकी विवाह की धूम रहती है। यहाँ पर राम जानकी की विवाह की धूम रहती है इस मेले में। सौराठ मेला।
सौराठ मेला है। इस सौराठ मेले सॉरी जो सौराठ मेला है, अगर हम बात करें सौराठ मेले में बिहार के, ये जो सौराठ मेला है बिहार के मधुबनी जिले में लगता है। इस मेले में, मेले को विवाह बाजार के रूप में भी जाना जाता है जो ज्येष्ठ आषाढ़ महीने में लगता है। आप देख पा रहे हैं सब दूल्हे दूल्हे ही बैठे हैं, ये दूल्हों का मेला है, माने ये कह सकते हैं मैरिज मार्केट है, ये विवाह बाजार यहाँ पर लगता है। ठीक, तो ये आप देख के डायग्राम, ये चित्र देख कर ये अनुमान लगा सकते हैं। देखिए इस पर नंबरिंग भी पड़ी है, दूल्हों के ऊपर नंबर भी पड़ी हुई है। अब है बौंसी का मेला, अब देखते हैं बौंसी का मेला क्या है। अब अगर बौंसी मेले की हम बात करेंगे तो जो बौंसी मेला है ये मंदार हिल, कहां पर है, मंदार हिल तलहटी में किनारे पर आयोजित किया जाता है। लोग यहाँ स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बौंसी में भगवान विष्णु ने पवित्र रूप में स्नान किया था, इसलिए यहाँ की प्रमुख मान्यता है। और इसी किनारे यहाँ पर मेले का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। मलमास मेला, मलमास मेला क्या है, ये राजगीर में आयोजित किया जाता है। कहाँ पे, राजगीर में, यहाँ पर गर्म कुंड में स्नान करते हैं लोग। यहाँ पे कहाँ स्नान करते हैं, गर्म कुंड है, उसी में लोग क्या करते हैं, स्नान करते हैं। बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ का मेला, यह भी बिहार में है। यह बक्सर जिलों में साल में दो बार शिवरात्रि और बैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी को बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ मेले का आयोजन किया जाता है। यह भी एक प्रकार का पशु मेला है जिसमें लोग ब्रह्मेश्वरनाथ पर जल डालते हैं और फिर मेले में भीड़ लगाते हैं और खरीदारी करते हैं, लेकिन यह भी एक प्रकार क्या है, पशु मेला ही। बक्सर मेला, यह बिहार के बक्सर जिले में चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी रामनवमी में आयोजित किया जाता है। मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान राम और लक्ष्मण यहाँ आए थे और विश्वामित्र के साथ यहाँ पर शिक्षा ली थी, इसलिए यहाँ पर प्रतिवर्ष बक्सर मेले का आयोजन किया जाता है। अहिल्या मंदिर, सिमरिया मेला, सिमरिया मेला क्या है, बिहार के बेगूसराय में सिमरिया गाँव में सिमरिया मेला लगता है, उस मेले का आयोजन किया जाता है। यह साल में दो बार गंगा स्नान और बाद में दान देने के लिए आयोजित किया जाता है, पहले गंगा स्नान करते फिर दान देने के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है बेगूसराय में। दिवाली मेला, इसे पावपुरी मेला कहा जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट, यहां से परीक्षा में सवाल आते हैं, इसे दिवाली मेला या पावपुरी मेला कहते हैं। ये नालंदा जिले बिहार में आयोजित किया जाता है। ये दिवाली के दौरान वर्धमान महावीर के निर्माण का प्रतिनिधित्व करने के लिए मनाया जाता है। पटना के साहिब गुरुद्वारा मेला, ये पटना का कौन सा है, साहिब गुरुद्वारा मेला, ये पटना का साहिब गुरुद्वारा मेला है। पटना साहिब गुरुद्वारा मेला तख्त श्री हर मंदिर साहिब जी पटना में दसवें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिन पर आयोजन किया जाता है। उनके जन्मदिवस पर इस मेले का क्या होता है, आयोजन किया जाता है। सहोदरा मेला, कौन सा मेला है, सहोदरा का मेला। सहोदरा मेला बिहार के पश्चिम चंपारण जिले, बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के सहोदरा में मां सुभद्रा के पुराने मंदिर थारूस द्वारा आयोजन किया जाता है। सिंहेश्वर स्थान मेला, सिंहेश्वर स्थान मेला क्या है, यह भी जानते हैं। सिंहेश्वर स्थान मेले का आयोजन बिहार के मधेपुरा जिले में शिवरात्रि पर एक प्रसिद्ध शिव मंदिर में किया जाता है, जिसमें लोग शिवलिंग पर जल, जिसमें लोग क्या करते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। मेष विशु मेला, अभी मेष विशु मेला क्या है, यह भी बिहार में आयोजित होने वाला प्रमुख मेला है और इसमें विशु मेले को सतौती के नाम से भी जाना जाता है, सतौती मेले के नाम से इसे जाना जाता है और यह नवन्ना भाजावा के त्यौहार के दौरान आयोजित किया जाता है। इस मेले में जौ चना आम मौसमी फल पंखे और घड़े का क्रय विक्रय किया जाता है, दुकानें लगती हैं, मेले में बिकते हैं। श्रावणी मेला, ये हर साल श्रावण मास में जुलाई अगस्त में मनाया जाता है और इस तरह का मेला का आयोजन होता है। मकर संक्रांति का मेला, ये मकर संक्रांति मेला हर साल जनवरी महीने में राजगीर बिहार का एक शहर में आयोजित किया जाता है, आप इसे देख पाएंगे, राजकीय मकर मेला का आयोजन किया गया, यह पुराना पोस्टर है इसे। पितृपक्ष मेला, पितृपक्ष मेला क्या है, यह मेला हर साल सितंबर महीने में आयोजित किया जाता है, ठीक बिहार में ही और ये बोधगया में, गया में। राजगीर मेला, राजगीर क्या है, राजगीर बिहार में मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी है, इसको बार बार हम जानते हैं। जो राजगीर है अगर हम बात करें तो बिहार में मगध साम्राज्य की एक
प्राचीन राजधानी है और बुद्ध और महावीर के साथ अपने लंबे संबंध के कारण इसे जैन बौद्ध दोनों द्वारा पवित्र माना जाता है। तो राजगीर से सवाल आते हैं, तो राजगीर मेला नाम से स्पष्ट हो गया। अब हम बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की तरफ। अभी तक हम लोगों ने बिहार राज्य के प्रमुख मेले को पढ़ लिया, अब हम बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की तरफ। छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें जिसमें कम मेले हैं, एक है राजिम कुंभ का मेला। राजिम कुंभ की बात करें तो राजिम कुंभ मेला वैष्णव भगवान विष्णु के भक्तों का एक लोकप्रिय मेला है जिसमें भक्तों का जमाव वाला होता है। राजिम कुंभ मेला महानदी पैरी और सुंदर नदियों के संगम के पास राजिम लोचन मंदिर में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख मेलों में नारायणपुर का मेला, यह नारायणपुर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में आयोजित किया जाता है और यह राज्य के आदिवासी समुदाय को दर्शाता है। किसके? राज्य के आदिवासी समुदाय को। आप यहां पे देख सकते हैं नारायणपुर का मेला है, बस्तर क्षेत्र में है, ठीक है, बस्तर क्षेत्र के लिए है। अब बढ़ते हैं गुजरात राज्य की तरफ। अब देखिए गुजरात राज्य, यहां से भी सवाल आते हैं। वैसे हम लोगों ने कच्छ के प्रमुख पढ़ ही लिया था ऊपर। यहां पे है भवनाथ महादेव का मेला। ये मेला जो है गुजरात के जूनागढ़ शहर में गिरनार पर्वत की जो तलहटी में स्थित भवनाथ महादेव मंदिर के पास मनाया जाता है। अगर बात करें मेला का, तो मेला महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर लगता है। जो मेला है ये महाशिवरात्रि के जो पावन अवसर होता है उसी के समय ये लगता है। अब है चित्रा विचित्र मेला। तो चित्रा विचित्र मेला एक आदिवासी मेला है। यह राजस्थान और गुजरात दोनों को जो बॉर्डर है, दोनों की सीमा, उस पर इस मेले का आयोजन होता है। स्थित गुंभाखारी गांव में लगता है। हाँ, गुंभाखारी गांव है जो राजस्थान और यूं कह सकते हैं गुजरात की सीमा पर लगने वाला एक मेला है। इसे चित्रा विचित्र मेला कहा जाता है। ये आदिवासियों का एक मेला है। सामलाजी मेला क्या है? ये सामलाजी मेला गुजरात के छोटे से शहर सामलाजी में होता है। अगर हम सामलाजी की बात करें तो सामलाजी मेला कार्तिक पूर्णिमा के मेले के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह कार्तिक महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। कार्तिक महीने के पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है यह मेला। अब अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा की प्रमुख मेला पढ़ लेते हैं। इसमें पहला है गोपाल मोचन मेला। कौन सा मेला है? गोपाल मोचन मेला। अब इस गोपाल मोचन मेला में यमुना नगर गोपाल मोचन मेला लगता है। यह हिंदू और सिखों, ध्यान देने वाले हिंदू सिखों दोनों के लिए तीर्थ यात्रा का एक प्राचीन स्थान है। यमुना नगर गोपाल मोचन मेला। बलदेव छठ मेला क्या है? ये हरियाणा में लगने वाला मेला है जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम के सम्मान में बलदेव छठ मेला मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बलराम ने पलवासुर नाम के एक राक्षस के प्रभुत्व को समाप्त किया था, क्योंकि उसने मार डाला था और इस स्थान को उनके दुष्ट चंगुल से छुड़ाया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष बलदेव छठ मेला पलवन में लगता है। मनसा देवी मेला। तो मनसा देवी मेला यह भी बहुत प्रसिद्ध मेला है। ये साल में दो बार मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर महीने में लगता है। यह मेला मनी माजरा के पास बिलासपुर गांव में लगता है। चेतर चौदस मेला, ये कुरुक्षेत्र के पिहोवा में, कुरुक्षेत्र का जो पिहोवा है उसमें मार्च या बसंत ऋतु में आयोजित किया जाता है। ये सबसे बड़ी बात, हिंदू सिख दोनों का ये एक तीर्थ यात्री सरस्वती के पवित्र सरोवर में स्नान करते हैं। बाबा समी दयाल मेला क्या है? ये बाबा समी दयाल मेला जो है चरखी दादरी में भिवानी के प्रसिद्ध संत के सम्मान में आयोजित किया जाता है। मसानी मेला, ये मसानी मेला जो चेचक की देवी के सम्मान में आयोजित किया जाता है। मसानी मंदिर गुरुग्राम में स्थित है। कुछ और ऐसे मेले हैं जो प्रमुख हैं, जहां से परीक्षाओं में सवाल आते हैं। जैसे अगर इनमें हम बात करें तो रिवासा भिवानी में बाबा गुंगीपा मेला, नूह में मेो मुसलन मानो द्वारा सात चोखा खोरी मेला, शाहबाद कुरुक्षेत्र में मारकंडा मेला, जिंद में हटकेश्वर मेला, अंबाला में शिव चौदस मेला। तो ये कुछ प्रमुख मेले थे जो परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं। आप इन्हें लिख सकते हैं, इनके स्क्रीनशॉट पढ़ सकते हैं। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो पहला है यहाँ पर है मणिमहेश्वर मेला। मणिमहेश्वर मेला क्या है? ये भगवान विष्णु के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है।
और 14 दिनों का मेला, ये मेला कितने दिनों का है, यह मेला पूरे 14 दिनों के लिए लगता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के प्रमुख हैं, ऊपर हम लोगों ने, लेकिन इसके पहले ये हिमाचल प्रदेश का है, इसके पहले हम लोगों ने हरियाणा के प्रमुख मेले को पढ़ा, कहीं मेरे मुंह से हिमाचल वो भी तो नहीं निकल गया था, ये हरियाणा का था, ठीक। हम लोग हिमाचल प्रदेश की तरफ बढ़ चुके हैं, डुंगरी महोत्सव। डुंगरी महोत्सव हिंडिबा देवी मेले के रूप में जाना जाता है, ये बसंत पंचमी के अवसर पर कुल्लू हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कुल्लू कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। कुछ और मेले हैं, इनको भी देख लेते हैं, ये परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और टेलीग्राम पर आप सब दुर्गेश्वर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़ेंगे, मेरी सभी क्लास की लिंक नोट्स वीडियो यहाँ पर मिल जाती है, क्योंकि मेरे द्वारा सभी निःशुल्क क्लासेज आपको इसी प्लेटफॉर्म पर आपको क्रमवार रूप से मिलती है। अगर मैं अभी बात करें तो रामपुर में लावी मेला एक व्यापार मेला है, रोहुर में रोहुर मेला अप्रैल में लगता है, कांजा मेला लदारचा मेला है, मनाली में डुंगरी मेला लगता है, भरमौर में सोही मेला, धर्मशाला में डल मेला, सोलन में सुलनी मेला, ये सुलनी माता को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है, अर्की में शहर मेला है जो बुल फाइटिंग के लिए जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद दियोटिसिद्ध में दियोटिसिद्ध बाबा सिद्ध का जो मेला है, बाबा बालकनाथ का मेला के रूप में लगता है, ये आपके कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। पिपुल मेला है लगता है, रेणुका जी मेला जो है रेणुका मेला लगता है, नाहन में बावन द्वादशी का मेला लगता है, और त्रिलोकपुर का मेला त्रिलोकपुर में त्रिलोकपुर का मेला लगता है। इस प्रकार कुछ प्रमुख ऐसे मेला थे जो हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश के पढ़ लिए। अब बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर के राज्य के कुछ प्रमुख मेलों को जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। बहु मेला, अब बहु मेला भी देख लेते हैं। बहु मेला क्या है, यह मेला मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर में दो बार लगता है साल में, और बहु किले जम्मू में काली मंदिर में आयोजित एक प्रमुख त्यौहार है, उसी समय इस मेले का आयोजन किया जाता है। अगला है पूर्मंडल मेला। पूर्मंडल मेला की अगर हम बात करें तो यह मेला क्या है, यह पूर्मंडल मेला शिवरात्रि पर शहर 3 दिनों के लिए रूपांतरित हो जाता है शहर, और लोग यहाँ पर भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह का जश्न मनाते हैं, और जम्मू के लोग पीरखो रणवीरेश्वर मंदिर पंचभक्तार मंदिर में शिवरात्रि मनाने के लिए अपने रंग बिरंगे परिधानों में आते हैं। झिरी मेला, झिरी मेला क्या है, अब एक महान किसान को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल अक्टूबर नवंबर महीने में जम्मू में आयोजित एक वार्षिक मेला है जो साल में एक बार लगता है। अब झारखंड के प्रमुख मेले हैं, झारखंड के प्रमुख मेले को अगर हम एक लाइन में अगर हम लोग पढ़ना चाहें तो देखते हैं क्या क्या चीजें हम लोग को यहाँ मिलेंगी। प्रतापपुर में कुंड मेला इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। दुर्गा पूजा के दौरान आयोजित है चतरा का मेला। लवलांग मेला एक पशु मेला है, ये भी पूछा जाता है। छिमरिया का तो तिलावा मेला है, छिमरिया में बेलगड़ा का भी पशु मेला है, चतरा में कुंदरी का मेला है, भट्टरगंज में कुल्हुआ का मेला है, इटखोरी में भदली का मेला जो मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है। कर्नाटक की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या है, वन संकरी का मेला। किसका है, वन संकरी का मेला। वन संकरी का जो मेला है ये देवी वन संकरी या पार्वती के सम्मान में आयोजित किया जाता है। एलम्मा मेला कर्नाटक का प्रसिद्ध मेला है, और ये मेला ऋषि जमदाग्री की पत्नी देवी एलम्मा या रेणुका के सम्मान में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। गोदाची मेला, ये कार्तिक महीने में गोदाची मेला श्री वीरभद्र के सम्मान में आयोजित किया जाता है। श्री सिद्धलिंगप्पा का मेला जो है, ये जो सिद्धलिंगप्पा का मेला शिवरात्रि में मनाया जाता है, और देवताओं को एक पालकी में ले जाया जाता है, जिसमें कई पड़ोसी गांव में ढोल वादक जिसे ढोलू और मजलू कहते हैं के साथ आते हैं, और उनके गाजन बाजन साथ ले जाते हैं, और इसी के उपलक्ष्य में मेला आयोजित किया जाता है। अब मध्य प्रदेश के मेले की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें है सिंहस्थ मेला। कौन सा मेला है, सिंहस्थ मेला। सिंहस्थ मेला के बारे में जानेंगे, यह उज्जैन सिप्रा नदी। अब एक सवाल था, हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि कुंभ मेला उज्जैन में भी लगता है, उज्जैन में किस नदी किनारे लगता है, तो सिप्रा नदी किनारे लगता है। इस सवाल का जवाब आपको यहां पर मिल गया, ठीक, उज्जैन में कहां पे, सिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है, जिसे हम सिंहस्थ मेला या कुंभ मेला के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप चाहे इसे लिख लें चाहे स्क्रीनशॉट रख लें। सिंहस्थ मेला जो कुंभ मेला है 12 साल के अंतराल पर आयोजित किया जाता है, मैंने 12 साल में एक बार लगता है।
और यह मेला चैत मास की पूर्णिमा से वैशाख पूर्णिमा तक लगता है, चैत मास से वैशाख पूर्णिमा तक लगता है। अब हीरा भूमिया का मेला, हीरा भूमिया का मेला, अब यह क्या है, यह मेला ग्वालियर क्षेत्र में, कहां पर, ग्वालियर क्षेत्र में अगस्त और सितंबर के महीने में आयोजित किया जाता है, अगस्त और सितंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। हीरामन बाबा की याद में, किसके, हीरामन बाबा की याद में इस मेले का आयोजन किया जाता है। जोगेश्वरी मेला, यह क्या है, देवी जोगेश्वरी मेला अशोकनगर जिले के चंदेरी में आयोजित किया जाता है, कहां पर, चंदेरी में आयोजित किया जाता है। यह हौज खास तालाब के पास मार्च अप्रैल में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। महामृत्युंजय का मेला, तो रावी रीवा जिला, मध्य प्रदेश का जो रीवा जिला है, वहां महामृत्युंजय मंदिर में बसंत पंचमी शिवरात्रि के दिन महामृत्युंजय मेला लगता है। चंडी देवी का मेला बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी सवाल आता है, चंडी देवी का जो मेला है ये सीधी जिले के घोघरा नामक स्थान पर चंडी देवी को माता पार्वती अवतार माना जाता है, यह मेला मार्च अप्रैल में लगता है। बर्मन का मेला, जो बर्मन का मेला है यह नरसिंहपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर एक प्रसिद्ध जो है ब्राह्मण घाट है, प्रसिद्ध ब्राह्मण घाट पर मकर संक्रांति के अवसर पर यह बर्मन का मेला लगता है। काना बाबा का मेला, होशंगाबाद जिले के सोड़पुर नामक गांव में काना बाबा की समाधि पर काना बाबा का मेला लगता है, आयोजित होता है। नागाजी का मेला, यह अकबर के संत नागाजी की याद में मुरैना जिले के पोरसा गांव में नागा जी का मेला प्रतिवर्ष लगता है। कालूजी महाराज का मेला, अब कालूजी महाराज का मेला खरगोन जिले के पश्चिम निमाड़ के जो पिपल्या खुर्द में लगभग एक माह तक ये मेला चलता है, और इस मेले में निमाड़ी नस्ल के कीमा बैल खरीदे और बेचे जाते हैं। ये मध्य प्रदेश का प्रमुख मेला। भगोरिया का मेला, ये झाबुआ जिले में हर वर्ष होली के अवसर पर भगोरिया का मेला लगता है। बाबा शहाबुद्दीन औलिया का उर्स, नीमच जिले में फरवरी माह में बाबा शहाबुद्दीन औलिया का उर्स केवल 4 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है, जहां बाबा शहाबुद्दीन का मकबरा भी है। सोनागिर का मेला भी देख लेते हैं हम लोग। सोनागिर मेला होली के अवसर पर दतिया स्थित सोनागिर के प्रसिद्ध श्री दिगंबर जैन तीर्थ स्थल पर 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। मठ घोघरा मेला, यह शिवरात्रि के पर्व पर शिवनी जिले के भैरवनाथ नामक स्थान पर 15 दिवस तक चलने वाला मठ मेले का आयोजन यहाँ पर होता है। अब गरीबनाथ का मेला, अब नाथ संप्रदाय के अनुयायी बाबा गरीबनाथ की स्मृति में साजापुर जिले में अवंतीपुर बडोया गांव में चैत माह में इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो आप चाहें तो गरीबनाथ का मेला भी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। शकुआ का मेला जो है ये दतिया जिले के सिंध नदी के तट पर स्थित शकुआ नामक स्थान पर प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में पूर्णिमा को शकुआ मेले का आयोजन किया जाता है। गोटमार मेला, ये गोटमार मेला क्या है, ये गोटमार मेला जो है छिंदवाड़ा जिले में, कहां पर, छिंदवाड़ा जिला में पाडुना में भाद्रपद मास की अमावस्या के दिन और सावर गांव के मध्य में स्थित जाम नदी पर लगता है। राम पपाली का मेला, देखिए बालाघाट जिले में चंदन नदी के तट पर कार्तिक मास की पूर्णिमा के अवसर पर 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। ग्वालियर व्यापार मेला, ग्वालियर व्यापार का मेला क्या है, यहाँ पर भी जान लेते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा व्यापार मेला है, ये भारत का सबसे बड़ा व्यापार मेला है और ये ग्वालियर में लगता है, और इसकी शुरुआत 1905 में ग्वालियर के राजा महाराजा माधवराव सिंधिया ने की थी। अब बढ़ते हैं पंजाब राज्य की तरफ। पंजाब राज्य में बाबा सोडाल का मेला, देखिए बाबा सोडाल का मेला जो जालंधर शहर में आयोजित किया जाता है, कहाँ पे, जालंधर शहर में। बाबा सोडाल का मेला सोडाल नाम के एक छोटे लड़के से जुड़ा है, जिसे बाल देवता के रूप में भी सम्मानित किया जाता है। मेला उनकी पुण्यतिथि के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। रौजा शरीफ उर्स जो है सूफी संत शेख अहमद फारूकी सरहिंदी की याद में मनाया जाता है, जो ख्वाजा बाकी बिल्ला के शिष्य थे। जोर का मेला पंजाब का प्रसिद्ध मेला है। अगर हम जोर के मेला की बात करें तो यह 3 दिवसीय जो शहीदी जोर मेला, यह साहिब जादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह की स्मृति में फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारे में आयोजित किया जाता है। जुलूस निकाले जाते हैं और 3 दिवसीय मेले में सिख खेल प्रदर्शित किए जाते हैं। माघीदा मेला, माघीदा मेला जो है श्री मुक्त
तस्सर साहिब के पवित्र शहर में प्रत्येक वर्ष जनवरी में नानक शाही कैलेंडर के अनुसार माघ महीने में आयोजित किया जाता है। यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण मेलों में से एक है, माघीदा मेला। चाहे तो स्क्रीनशॉट रख ले, चाहे इसे लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं तो लिख ले। अब है राजस्थान के प्रमुख मेला बेड़ेश्वर का मेला। जी हाँ, बेड़ेश्वर के मेला की बात करें तो बेड़ेश्वर मेला जो है डूंगरपुर शिवरात्रि के समय जनवरी और फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। गोगा जी का मेला। गोगा जी की मेला अगर हम देखें तो जो गोगा जी का मेला है ये गंगानगर जिले में, कहां पर? गंगानगर जिले के गोगा मेड़ी में लगता है। यह आमतौर पर अगस्त के महीने में आयोजित किया जाता है। जैसलमेर में राम देवरा का मेला। कैला देवी का मेला। कैला देवी का मेला क्या है? यह भी राजस्थान के कैला गांव में अप्रैल और मार्च के महीने के दौरान आयोजित किया जाता है। यह लगभग एक पखवाड़े तक मनाया जाता है। कब तक मनाया जाता है? लगभग एक पखवाड़े तक। और यह मेला कैला गांव माने कालीसील नदी के किनारे लगता है। महावीर जी मेला। महावीर जी का मेला यह भी पंजाब का प्रसिद्ध मेला जो जैनियों के 24वें तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी की स्मृति में मनाया जाने वाला एक महावीर जी मेला राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध मेलों में से एक है। और यह मंदिर कटला नामक, कहां पे? कटला नामक एक बाड़े में स्थित है, जहां बड़ी संख्या में भक्त इस उत्सव में भाग लेने के लिए, देखने के लिए आते हैं। अब बात करते हैं उस मेला का। महान सूफी संत ख्वाजा मुइन उल दीन चिश्ती की पुण्यतिथि पर आयोजित उर्स मेला है। यह अजमेर शहर में पवित्र संत के स्मारक में आयोजित किया जाता है। राजस्थान में कुछ पशु मेले हैं जिसमें मल्लिकानाथ पशु मेला है। वैसे सबसे प्रसिद्ध राजस्थान का पशु मेला क्या है, कमेंट करें बताइए। ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिया था, बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी के तट पर चैत कृष्ण पक्ष की ग्रामी तिथि को मल्लिकानाथ पशु मेला लगता है। गोमती सागर पशु मेला। तो यह गोमती सागर पशु मेला ये झालवाड़ गोमती सागर तट पर लगता है। मलावी नस्ल के जानवरों खरीदने के लिए एक लोकप्रिय मेला है। गोगा मेड़ी का पशु मेला, हम लोगों ने गोगा मेड़ी पढ़ लिया था। राजस्थान के महान संत गोगा जी के समाधि स्थल पर हनुमानगढ़ जिले में गोगा मेड़ी का पशु मेला का आयोजन किया जाता है। रामदेव का पशु मेला। रामदेव पशु मेला जो है ये नागौरी नस्ल के बैलों के व्यापार के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। झालावाड़ मवेशी मेला। झालावाड़ का मवेशी मेला की हम बात करें तो जो झालावाड़ मवेशी मेला, जिसे हम चंद्रभागा मेले के रूप में भी जानते हैं, किसे? चंद्रभागा मेले के नाम से भी जाना जाता है। और यह राजस्थान के झालावाड़ जिले में चंद्रभागा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। मालवा नस्ल के प्रसिद्ध बैल यहाँ पर बेचे और खरीदे भी जाते हैं। वीर तेजाजी पशु मेला। अगर वीर तेजाजी की बात करेंगे तो नागौर जिले के जो पर्वतस्थ गांव में वीर तेजाजी पशु मेला लगता है। आय के लिहाज से यह मेला सबसे बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर नागौरी की प्रसिद्ध नस्ल की बैल और बीकानेरी ऊंट बेचे जाते हैं। गंगापुर का पशु मेला। तो गंगापुर का जो पशु मेला राजस्थान के भीलवाड़ा के पास गंगापुर में लगता है। नागौर का पशु मेला है। तो यह नागौर पशु मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है, जो जनवरी फरवरी के महीने के दौरान 8 दिनों के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कोलायत मवेशी मेला। जी हाँ, कोलायत मवेशी मेला, कपिल मुनि मेला बीकानेर जिले में दिसंबर महीने में आयोजित किया जाता है। अब बढ़ते हैं तमिलनाडु की तरफ, तमिलनाडु के प्रसिद्ध मेलों में। सबसे पहले अगर देखेंगे पर्यटन मेला चेन्नई, पर्यटन मेला चेन्नई जो है पोलाची मेला, इसे मदुरई मेला या तिरुवन्नामलाई का पशु मेला के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध कार्तिक दीपोत्सव के दौरान आयोजित मवेशी मेला सबसे व्यस्त मेलों में से एक है। ये 4 दिनों तक मेला लगता है, जिसमें पशु मेला है तो इसमें सीधी सी बात है जानवर होंगे, इसमें गाय भैंस बैल भेड़ बकरी आदि खरीदे और बेचे जाते हैं। उत्तराखंड के मेले की चढ़ेंगे, बगवाल मेला। बगवाल मेला हम देख रहे हैं क्या बिक रहा है। तो ये उत्तराखंड के चंपावत जिले के देवीधुरा स्थित माँ बराही देवी मंदिर में बगवाल मेला मनाया जाता है। बौरानी का मेला। उत्तराखंड कुमाऊं क्षेत्र में पिथौरागढ़ शहर में बौरानी के बरौनी मेला मनाया जाता है। भगोली पोखर मेला। जी हाँ, उत्तराखंड के कुमाऊं में भगोली पोखर मेला दूती भाई दूज के दिन मनाया जाता है। यह भाई दूज की तिथियों के आधार पर अक्टूबर से नवंबर में मनाया जाता है। चैती मेला। जी हाँ, उत्तराखंड के नैनीताल जिले जिसे काशीपुर में, यह हर साल नवरात्रि के दौरान चैती मेला आयोजित किया जाता है। चंद्र बदनी मेला। जी हाँ, उत्तराखंड के टिहरी जिला क्षेत्र में चंद्र बदनी मेला लगता है। दुधियाल देवी मेला।
उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के बूढ़ा केदार क्षेत्र में स्थित पौनाड़ा गांव में हर साल 12 साल में दुधियाल देवी मेला मनाया जाता है। गेंदी खगोटी मेला, जी हाँ, गेंदी खगोटी मेला उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के पौड़ी जिले में मनाया जाता है। यह मेला बसंत पंचमी में शुरू होता है और बैसाखी तक चलता है। गणनाथ मेला, गणनाथ मेले का आयोजन अल्मोड़ा के गणनाथ मंदिर में होता है। गौचर मेला, यह 14 नवंबर को उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के बाएं किनारे पर स्थित गौचर के पहाड़ी शहर में आयोजित एक वार्षिक मेला है। हाट कालिका मेला, जी हाँ, गंगोली हाट स्थित कालिका मंदिर में हाट कालिका मेला है और भादो की अष्टमी को लगने वाला है, प्रत्येक वर्ष लगता है। जागेश्वर मेला, ये जागेश्वर मेला बैसाख महीने के 15वें दिन मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में जागेश्वर शिव मंदिर में किया जाता है। जंती मेला, जंती मेला क्या ये भी जान लेते हैं। पांडुकेश्वर महोत्सव, जिसे हम स्थानीय रूप से जंती मेले के रूप में जानते हैं, के नाम से जानते हैं, ये विष्णु गंगा नदी के बाएं किनारे पर स्थित पांडुकेश्वर मंदिर में हर साल 6 साल में मनाया जाता है। हर 6 साल में मनाया जाता है। 9 से 11 दिनों तक चलने वाली मेले की शुरुआत माघ संक्रांति से होती है। जौलजीबी मेला, ये जौलजीबी मेला हर साल 14 से 21 नवंबर काली और गोरी नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है। कमलेश्वर का मेला, कमलेश्वर मेला हर साल कार्तिक महीने के नवंबर की शुरुआत के 14वें दिन आयोजित किया जाता है। वैकुंठक चतुर्थी के रूप में इसे भी जाना जाता है। अब अगला है पूर्णागिरी का मेला, जी हाँ, पूर्णागिरी का मेला भी हम लोग पढ़ लेते हैं। पूर्णागिरी का मेला हर साल विषुवत संक्रांति पर आयोजित किया जाता है। सोमनाथ मेला या मासी मेला हर साल उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के अल्मोड़ा जिले में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर मेले का आयोजन सोमेश्वर महादेव मंदिर में होता है। कहाँ पर? सोमेश्वर महादेव मंदिर में होता है। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले को पढ़ लेते हैं। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश, सबसे पहले आता है माघ मेला। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे माघ मेले का आयोजन इलाहाबाद में माघ महीने में जनवरी फरवरी के दौरान होता है। यह गंगा यमुना और सरस्वती के संगम के पास किया जाता है माघ मेला। और यही पर अगर हम बात करें तो कुंभ मेला का भी आयोजन होता है, जो गंगा यमुना के यूं कह सकते हैं संगम पर लगता है 12 वर्षों में एक बार। वैसे गंगा नदी तट भी कह सकते हैं आप, ठीक। रथ मेला, यह चैत्र माह में उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में आयोजित किया जाता है। यह मेला भगवान रघुनाथ के सम्मान में आयोजित किया जाता है। गौचरण मेला, यह ब्रज क्षेत्र के प्रसिद्ध मेलों में से एक है और यह कार्तिक मास के 8वें दिन मथुरा में आयोजित किया जाता है। इसे गोष्ठामी के नाम से जाना जाता है। इस मेले में गायों की पूजा की जाती है। नौचंदी का मेला, जी हाँ, बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ से परीक्षा में खूब सारे सवाल झोला भर भर के आते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें नौचंदी का जो मेला है, यह मेला मेरठ में होली के कुछ दिनों के बाद इसका आयोजन किया जाता है। इस मेले में हिंदू भक्त नौचंदी देवी की पूजा करते हैं और महान संत सैयद सालार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देवा शरीफ का मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा में सवाल आता है। यह महान सूफी संत वारिस अली शाह के मंदिर पर देवताओं को हर साल कार्तिक महीने के दौरान आयोजित किया जाता है। शाकंभरी मेला है, यह सहारनपुर उत्तर प्रदेश में साल में 2 बार नवरात्रि के दौरान आयोजित किया जाता है। अब है आगरा मवेशी मेला, यह भी इंपॉर्टेंट है। आगरा मवेशी मेला जो है, जिसे बटेश्वर मेला भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम बटेश्वर मेला भी कहते हैं और यह एक पशु मेला भी नाम आगरा मवेशी मेला भी कहते हैं इसे। यह कार्तिक महीने में नवंबर के दौरान पवित्र यमुना नदी के तट पर लगता है। अब हम पढ़ेंगे पश्चिम बंगाल की तरफ पौष मेला। पौष मेला क्या, यह भी देख लेते हम लोग। देखिए, पौष मेला एक वार्षिक मेला है, त्यौहार है, जो भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले शांति निकेतन में फसल के मौसम को चिन्हित करता है। पौष सप्तमी की तिथि से ये प्रारंभ हो जाता है। चरक गजन मेले, ये क्या है, कोलकाता के 17 से 18 स्थानों पर चरक गजन मेले लगते हैं। यह मेला 7 दिनों तक चलता है। यहाँ पे इस श्रेणी में अन्य महत्वपूर्ण मेले गरबेटा, थाने के कंदोर, रसकुंडू, बसंत राय, नयाग्राम के हजरलिंग, शिव डेबरा में चांपलेश्वर शिव के केदारकुंड मेला लगता है। यहाँ पे जलपेश मेला, जलपेश मेला के बारे में बात करेंगे तो जो जलपेश मेला है, ये जलपाईगुड़ी जिले में मैनागुड़ी में फरवरी और मार्च के महीने में शिवरात्रि के अवसर पर जलपेश मेले का आयोजन
किया जाता है। केंदुली मेला, यह पश्चिम बंगाल में लगने वाला मेला है, बीरभूम जिले केंदुली में आयोजित किया जाता है, जिसे हम बाउल या बंगाल में घुमंतू टकसालों की मंडली के रूप में जाना जाता है। बसंत उत्सव क्या है, यह स्प्रिंग महोत्सव, यह मार्च महीने में शांति निकेतन में आयोजित किया जाता है। भीम मेला, ये क्या है, पूर्व मोदनीपुर, बंगाली माह माघ और चरक मेला दोनों स्थानीय त्यौहार के 11वें दिन भीम मेला का आयोजन किया जाता है। रास मेला, रास मेला क्या है, शांतिपुर और नवद्वीप में आयोजित किया जाता है। सोतीमार मेला, जी हाँ, सोतीमार मेला हम लोग जानेंगे, तो घोषपारा कल्याणी में मोतीमार मेले का, और आसन नगर में कदम खाली गांव में ललन मेला भी लगता है। इसी के साथ हम लोगों ने प्रमुख जो तथ्य था पढ़ लिया। अब एक बार हम लोग ये चाहेंगे कि आप लोग ये जरूर बताएं कि कुंभ मेला चारों किन किन नदियों के किनारे पर लगता है, और हम चाहेंगे सवाल का जवाब दें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। वैसे इस सेशन की नोट्स अगर आप चाहें तो इलानी में दुर्गेश से प्राप्त कर सकते हैं। इस सेशन में बहुत सारे आपके सवाल होंगे, जैसे अगर हम बात करें तो कुछ प्रमुख कुंभ मेला में हमने पूछा था, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जैसे अगर पूछा जाए कि नासिक का कुंभ मेला किस नदी किनारे लगता है, तो गोदावरी के किनारे, गोदावरी नदी किनारे, और उज्जैन का सिप्रा नदी किनारे, हरिद्वार में गंगा नदी किनारे, प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है उसके किनारे लगता है। इस प्रकार हम लोगों ने मेला का जो सीरीज था उसे पूरा पढ़ लिया और कोशिश किया कि विविध की सीरीज में मेला से सवाल अगर एक भी गलत ना होने पाए। फिर भी अगर आपको लगता है इसे कुछ छूट गया तो कमेंट करिएगा। वैसे इस वीडियो को शेयर करने के साथ, लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। कोई व्यक्तिगत सवाल इलानी में दुर्गेश इंस्टाग्राम पे सवाल पूछ सकते हैं, और यहाँ पे ऑनलाइन क्लास नोट्स के लिए इसे इस पे जोड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इलानी में दुर्गेश ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, एक डेमो ऐप का यहाँ पर है आपके सामने। और टेलीग्राम पर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है दुर्गेश, ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन लिंक आपको या नोट्स जो है आपको वहाँ से मिल सके। तो सभी साथी टेलीग्राम पर जरूर जुड़िएगा। नोट्स से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर घर बैठे सभी नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। जो भी नोट्स आपको चाहिए, जिस नोट्स के भी आपको जरूरत होगी, एनसीईआरटी के सभी नोट्स अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी के सभी नोट्स हिंदी अंग्रेजी मीडियम में 6 से लेकर 12 तक के दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। इसके अलावा आपके परीक्षा से जुड़े हुए सभी नोट्स हार्ड कॉपी और पीडीएफ में उपलब्ध हैं। आप चाहे तो ऐप से भी इंस्टॉल कर सकते हैं या घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। वैसे आपको जो से ले कर सकते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो को शेयर करिएगा। और आप बताइएगा नदी में क्या कोई ऐसी नदी है जो छूट गई है, सॉरी मेला में कोई ऐसा मेला जो छूट गया, कमेंट करिएगा और इस वीडियो को अपने लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करिएगा। आप सभी का थैंक यू, मिलता है एक नए सेशन के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। इसकी सीरीज के पढ़ने के बाद हम इसकी एमसीक्यू सीरीज भी लेकर आएंगे। सबसे पहले हम पूरे सेशन को पढ़ने का प्रयास करेंगे, पूरा सेशन समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम इसके एमसीक्यू की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।